भगवान तो आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि जैसे कि जो भगवान होता है तो वो माता पिता के माता पिता है, तो मैंने ये अपने नहीं कहा अपने माता बच्चे पिता है, जस्ट लाइक मैं कह कोई भी रही मतलब हूं माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं आपका चाहता है, ईश्वर परम पिता है। हाँ, हाँ, है देन वो ना, बुरा नहीं चाहते अपने बच्चों का। बिल्कुल नहीं तो फिर चाहते। जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ सोच लिया, नहीं मैं इनको तो हाँ ये होना ही ऐसा होके रहेगा, और वो चीज गलत है, तो फिर हाँ, भगवान मुझे तथास्तु क्यों बोलेगा? मैं बताती हूँ, मैं इसी का जवाब देती हूँ। अगला पूछ रहा है कि अगर मैं जहर मांगू तो मेरे पिता मुझे क्यों कहेंगे कि ले बेटा जहर ले ले, तूने मांगी ना, ले जहर ले ले। ये हाँ पूछ यही रहे हैं, पूछा मुझे। ये पूछना चाह रहे हो। अब मैं जवाब देती हूँ। अब इस कहानी को सुनो और इसको समझो और इसको अच्छे से बिठाओ। ओके, अब अपन कल्पना करते हैं एक पिता की जो कि राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है वो। ओके, वो अपने औलाद के, एक ही औलाद है उसकी, एक पुत्र है उसका। वो उस औलाद के लिए बेस्ट से बेस्ट लाके देता है, इससे पहले कि बेटा मांगे पिता लाके दे देता है, लाके दे देता है बेटा। ठीक है, उस चीज को पहन लेता है, ओढ़ लेता है, जो भी चीज है। एक दिन वो बेटा बाजार जाता है। कल्पना करो उन दिनों की जब तुम खुद बच्चे थे, होली दिवाली, मम्मी पापा अपने हैसियत के अकॉर्डिंग बेस्ट लाकर हमें देते थे, पक्की बात है। और वो बेस्ट हमें लाके देते थे तो हम पहन लेते थे, खुश होके पहन लेते थे। पर एक दिन हम उनके साथ बाजार जाते हैं, एक दिवाली है, हम उनके साथ बाजार जाते हैं और हम वैरायटी देखते हैं और हम कहते हैं मुझे वो चाहिए। और आपके पिताजी कहते हैं उसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हल्की है, ये ले ले, देख इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसको छोड़, इसको ले। आपने ले तो लिया, आपने ये ले तो लिया, और आपका मन दुखी हुआ कि मैं चाहता तो उस चीज को था ना, मुझे तो वो चीज चाहिए थी ना, मुझे वो चीज नहीं मिली, वो मलाल रह गया। अब आप घर आते हो और कुछ टाइम बाद आप अपने पिता से कहते हो, मतलब आपने, अब वो पुरानी कहानी पे चलते हैं, तो वो बेटा अपने पिता से कहता है कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। वो फादर कहता है क्यों अलग होना चाहता है, मैं तो तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट देता हूं, तुझे अलग होने की जरूरत क्या है। वो कहता है वो तो माना आप तो बेस्ट से बेस्ट देते हो, पर मुझे वो लेना पड़ता है जो आपकी मर्जी है। वो दिन कब आएगा जब मैं मेरी मर्जी से कि मुझे वो चाहिए, मैं ये चॉइस करूं, और वो चीज कैसी भी हो, वो अच्छी हो घटिया हो आपके हिसाब से कुछ भी हो, मुझे तो अच्छी लगी ना, तो मुझे उसे पाने का हक है, और मैं उसे पाऊं, उसे भोगूं, मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए। पिता सोचता है और उसको लगता है कि मेरा बेटा कह तो सही रहा है, गलत तो कुछ नहीं कह रहा, अपना चॉइस करना चाह रहा है। तो वो पुत्र से कहता है चल ठीक है तू अलग हो जा, मैं तेरे संग चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं तेरे संग, खजाना तो मेरे पास है, तू तो पक्का है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तुझे कुछ चाहिए भी तो दिलाना तो मुझे ही पड़ेगा, तो मैं तेरे संग चलता हूं, तू इशारा कर मैं तेरे को दिलाता हूं। ओ बेटा कहता है नहीं, आप तो चलोगी नहीं मेरे साथ, आप मुंह से तो कुछ नहीं कहोगे, आप मुंह से नहीं कहोगे वो चीज मत लो, पर आपका चेहरा देख के मैं भाग जाऊंगा कि आप नहीं चाहते मुझे वो चीज दिलाना, आप तो मुझे यही दिलाना चाह रहे हो, पर आपका चेहरा देखकर मैं लिहाज के मारे रुक जाऊंगा और वो मैं नहीं चाहता। आप मेरे साथ चलोगे तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आप तो चलो ही मत मेरे साथ। पिता को ये भी बात समझ में आई। फिर उसने, उस पिता ने अपने सबसे विश्वसनीय को बुलाया और उसको कहा कि मेरा बेटा सही तो कह रहा है, इसका हक है कि गलत भी चुने तो गलत चुनकर खुद ही ठोकर खा के समझे कि मुझसे गलती हो गई, इसको वो मौका तो मिलना चाहिए, तो एक काम करो तुम चले जाओ इसके साथ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मुझे दुख होगा जब मेरी औलाद ऐसी उल्टी सीधी चीजें चुनेगी, तो मुझे दुख होगा, मैं रह जाता हूं, मेरा खजाना खुला है, तुम जाओ, और मेरा बेटा जिस चीज को मांगे ना वो उसको दे दो, बिगाड़ तो नहीं होने वाली, पर इसका सबक सीखना जरूरी है, इसको सीखना जरूरी है
कि चॉइस करते कैसे, मेरे पिता ने जो मेरे लिए चुन लिया उससे बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती, ये सबक तो इसको खुद ही जाके सीखना पड़ेगा, दो चार दस बीस टोकर खाने के बाद सीखे तो सीखे। तुम थोपो मत, मेरी इच्छा इस पर मत थोपो, इसको दिखाओ, ये गलत चीज का चॉइस कर रहा हो तब तुम साइड में इसको हल्का सा दिखाओ, एक निगाह यहाँ भी डाल ले, एक निगाह इसको भी देख ले, ये भी बढ़िया, इसको भी देख ले, फिर इस पे छोड़ दो, अगर ये यहाँ निगाह नहीं डालना चाहता तो जाने दो, ये जहां निगाह डाल रहा है उसको वो चीज दे दो, ठीक है। अब ईश्वर ने, तुम्हारे उस परम पिता ने तुम्हें एक ऐसी चीज दी है जिससे उसने अपने आप को वंचित कर रखा है, उस ईश्वर ने आपको स्वयं से ज्यादा ताकत दे दी, पूछो क्या, उसने फ्री विल मतलब मेरी मर्जी, ईश्वर ने कह दिया नहीं अब मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी तो है कि मैं मेरे बेटे को पूरा साम्राज्य पकड़ा दूं, पर इस साम्राज्य में तो सब कुछ है, इस साम्राज्य में सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का बनाया है, सब कुछ है, इस साम्राज्य में ये क्या चुनता है, इसकी मर्जी, जब इसकी और मेरी मर्जी एक होगी ना तब तो बहुत बढ़िया, पर अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरी मर्जी ये और इसकी मर्जी ये, तो जो इसकी मर्जी है वो इसको दे दो, इसको सीखने दो, तुम गलत भी मांगोगे तो तुम्हें तुम्हारा गलत दे दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुमसे वो वादा किया है, तुम ये तुमने ये मांग की थी कि मेरे को अलग होना है और अलग होकर मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे चीजों को पाना है, और तुम यहां आ गए। अब तुमने क्या किया, तुमने मतलब इंसान ने क्या किया, लेट अस टेक अ सिंपल सिचुएशन, हम कोविड लेते हैं, कोविड-19 लेते हैं, कोविड-19 एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें दोनों तरह की, और हम लाइफ में देखें तो हमेशा कैंसर ले लो, कैंसर ले लो, कोविड ले लो, कैंसर कैंसर मैं तो गया, ओके तथास्तु, अब आप गए, गए आप, हा? थोड़ा सा आपका ईश्वर कह रहा है क्या है, वो देख वो कैंसर फोर्थ स्टेज में ठीक हो गया, उसको देख वो ठीक हो गया, वो हल्के स्वर में आपको कहता है वहां देख वो ठीक हो गया, 10-20 केस हमारे सामने आते, हम तो ध्यान ही नहीं देते, हम ध्यान उस पे देते उसको हुआ और वो इतना तड़पा और वो मर गया, हम हमारा फोकस वहां है, हम फोकस वहां डालते, हम नहीं मानना चाहते वो 10-20 केस जो कैंसर के ठीक हो गए, अगर एक जना ठीक हो सकता है तो हर जना ठीक हो सकता है, एक जना ठीक हो सकता है ना, हर जना ठीक हो सकता है, चॉइस आपके पास है, आप ठीक होना चाहते हो, हाँ मैं ठीक होना चाहता हूं, पर क्योंकि आपका फोकस हुआ है, अगर आप कहते हो कि मैं ठीक होना चाहता हूं, हाँ मुझे ये हो गया पर मैं ठीक होना चाहता हूं, तो आप उसको नहीं मानोगे, आप इसको मानोगे, 10-20 ठीक हुए ना मैं भी ठीक हो सकता हूं, खत्म कहानी, इसके आगे मुझे सोचना ही नहीं है, अब आपने अपने ईश्वर को माना है, अपने आप को नहीं माना, आप अपने आप को तब मानते हो जब आप नेगेटिव चीजों को मानते हो, वो सच है, कोविड में क्या हुआ, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड में मेरे ही कई स्टूडेंट्स वॉरियर्स बन के मरीजों को अस्पताल पहुंचाते थे, कोविड मरीजों को, और को, मेरे उन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं हुआ, स्वस्थ बढ़िया, और मेरे ही नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो घर में बंद थे, पता नहीं कोविड कैसे हो गया और मर गए, सच क्या है, सच तो वो भी नहीं है और सच ये भी नहीं है, सच वो है जो आप जिसके लिए हां करते हो, आप जिसको हां कर दोगे आपका ईश्वर कहेगा तथास्तु, वो हर पल आपके अंदर तथास्तु कर रहा है, जिसको हम फिलोसफी में सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म, वो निर्गुण तो वो परम पिता है जो बैठ गए कि मेरे को चलो मेरा बेटा मना कर रहा है मैं नहीं जा रहा, पर उन्होंने सगुण को भेजा है, हम जिंदा है, हम सांस ले रहे हैं, वो सगुण है, जिस दिन वो सगुण चला जाएगा उस दिन ये यही मिट्टी का वो बन के रह जाएगा, वो जब तक है हम अपनी इच्छाओं की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं,
मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम कैसे इंडिकेट करते हैं? अपने फीलिंग्स के माध्यम से, अपने फीलिंग्स के माध्यम से।